अबे ओ मुच्छल, क्या है ढीले? कल से तेरे एरिया में नहीं आऊंगा। अरे तूने मेरे एरिया से इतने पैसे जमा किए उसका क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मेरे एरिया में चले जाओ, तुम्हें कोई भीख नहीं देगा, वो मेरे कस्टमर हैं। कल तेरे एरिया से ही शुरुआत करता हूँ। क्या कर रहा है, क्यों उसके पेट पे लात मार रहा है, उसके पैसे वापस? अरे वो पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे डबल करने, तू चुप रहने भाई। अच्छा ढीले, तेरे मम्मी पापा किधर रहते हैं? पेड़ पे। तुमको इससे क्या लेना देना, बस तू मेरे पैसे वापस करो भिखारी। मैंने बोला ना तेरे पैसे अगले जन्म में दूंगा, चुप रहे वरना भीख मांगने का बर्तन भी ले लूंगा। मम्मी, तुम दोनों मिलकर ये क्या गुल खिला रहे हो? शर्म मानी जी, ये सब्जी वालों से हफ्ता मांगते हो। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए बनी है और ये बात भूलकर तुम उन्हें लूट रहे हो। उन सब ने कंप्लेंट की है तुम्हारी, सुधर जाओ वरना अगली ड्यूटी शमशान में होगी। सर शमशान में भूत मुझसे डरते हैं सर, मुझको किसी से डर नहीं लगता सर। रात को जाना है ना, आई विल गो सर, लेकिन अंदर की बात अंदर ही रखना। अरे वहाँ बाद में जाना, यहाँ पीछे रेलवे ट्रैक पर एक्सीडेंट हुआ है, बॉडी वही है, ट्रेन चली गई है, जानवर बॉडी ने चबा ले, जाओ रखवाली करो। साहब क्या है बे, इंसाफ कीजिए, मेरी मेहनत की कमाई इसने लूट ली है। सब्जी वाले को लूटा सो लूटा, इस भिखारी को भी नहीं छोड़ा तुमने, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अभी के अभी इसके पैसे वापस करो। ऐसे नहीं है, आपको वो कल हॉल वाली लुंगी कैसी लगी? उसमें हवा आ रही थी, सुपर एक नंबर, इसी चोर के पैसे से ली थी। अरे भिखारी कहीं का, पुलिस स्टेशन में खड़े होकर पुलिस वाले पे झूठा इल्जाम लगाता है, जेल के अंदर डाल दूंगा। मैं तो पहले से जेल में हूँ, अब तुम्हारे खिलाफ केस करके तुम्हें जेल में डलवाऊंगा। मेरी दिल बाहर कुल्फी खाने की इच्छा थी, मेरी इच्छा तो मरी गई, सामने मरा हुआ मुर्दा भी गुड नाइट बोलने आ गया। आखिर लोग ट्रेन से क्यों मरते हैं? मरने के तो और भी रास्ते हैं, पॉइजन वाला टॉनिक पी के मर सकता था। मरा तो मरा, सबका सत्यानाश करके गया। एक बार इसके घर का एड्रेस दे दो, सारी चीजें चुरा लूंगा, यहाँ तक कि चम्मच भी नहीं छोड़ूंगा। अब तो यहाँ बैठे बैठे मेरा खून सूखते जा रहा है। उसका टिकट तो कट गया, तू क्यों टेंशन ले रहा है? अबे क्या हुआ, तू मोबाइल की तरह वाइब्रेट क्यों हो रहा है? ए भाई वाइब्रेट नहीं हो रहा, डर लग रहा है। हवलदार होके डरता है? हवलदार प्लास्टिक का थोड़ी होता है, वो भी इंसान ही होता है, उसके अंदर भी डर का कीड़ा होता है बड़ा वाला। कानून के लंबे हाथ मेरे मुंह में डालो और कीड़े को मार डालो। मुझे और कोई काम नहीं है। तुमको पता, वैसे चेहरे से भी तू खटू ही लगता है। अब ज्यादा भंकस मत कर, मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, तू यहीं रखवा ले। नहीं बकुड़ा, इस लाश के अंदर का भूत बाहर आएगा, मुझे चबा जाएगा तो। भूत आएगा? सबसे बड़ा भूत तो तू है, एक डेड बॉडी से डर रहा है, तू है तेरी जिंदगी पे। अरे डर तो लगता है। अच्छा बता, तू मर्द है ना? मर्द है कि नहीं? ना मर्दों की हरकत क्यों करे? हाँ छोड़, अब यहीं पे मर। अरे लेकिन बकुड़ा जल्दी आ जाना, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। मुच्छल सिंह डरने का नहीं, हिम्मत है मर्दा, भूत से पर्दा। भूत भगाने का मंत्र बोलता हूँ, जाए काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। और भूत मंत्र का इतना जल्दी असर हो गया, अचानक ही भूत की आवाज आने लगी। फिर से नया मंत्र पढ़ता हूँ, कुछ नया होगा। ए अड़कम दड़कम दोन दड़ा कल तरफे तर से मृत। कौन है भाई? कपड़े पहन के आ गया मेरे कपड़े खराब करने के लिए। अच्छा हुआ ट्रेन नहीं आ रही है, अगर ट्रेन आती तो बिना टिकट के मेरा वर्ल्ड टूर हो जाता। क्या तो था टूर जिससे हो गए दूर, मोमबत्ती से मोम पिघल गए और हमारे ऊपर से छुक 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 पूरी की पूरी ट्रेन निकल गई। क्या बोला, ट्रेन निकल गई फिर भी खड़ा आए, इतना वजन कैसे उठा लिया? ट्रेन आ गई, हमारी वर्ल्ड टूर रह गई थी अधूरी, अब हम करेंगे उसे पूरी। चुक 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 चुक, बाय बाय। बिना टिकट यात्रा करना भूतों के लिए कानूनी अपराध नहीं है। बाप रे भूत था। आने वाली 24 तारीख को सफलतापूर्वक इलेक्शन हो जाए, इस बात का मुस्तैदी से ख्याल रखना, ये आप लोगों की ड्यूटी है। दो टीमों में बंट जाइए और अलग अलग इलाकों में जाकर जनता को जागरूक कीजिए। आप लोग इस देश की शक्ति हैं और अपनी ताकत से उस गुंडे का सर्वनाश कर दीजिए। इस देश में प्रजातंत्र चलता है, यहाँ हर व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार है। अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। उस दो टके का गुंडा आप लोगों की आवाज को दबाता है, आप लोगों पर हुकूमत करता है और जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे मौत के घाट उतार देता है। इस तानाशाही के खिलाफ आज तक किसी ने आवाज उठाई? क्या आपने अपने हक के लिए लड़ाई करने की कोशिश की? आप लोगों ने उस गुंडे के खौफ से समझौता कर लिया। पिछले 16 सालों से आप उसके डर के साए में जी रहे किसी कायर की तरह। आप जो कह रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है, पर उस गुंडे के खिलाफ नॉमिनेशन फॉर्म भरकर हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हम लोग ये गांव छोड़कर कभी नहीं जाते साहब, लेकिन इलेक्शन के वक्त जो खून खराबा होता है उससे हमको बहुत डर लगता है। आप लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? कब तक अपने आप को गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए रखेंगे? ये इलेक्शन आप लोगों के हित के लिए हो रहा है,
ये इलेक्शन आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए हो रहा है, इसीलिए एकजुट हो जाइए और जी जान से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कीजिए और आप लोग अपने लीडरों को सपोर्ट कीजिए। पिछले 16 सालों से छत्रपुर की इस धरती पर कोई इलेक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से भेजी हुई सहायता राशि आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाई, आपको उससे महरूम रखा गया। तो अगर आपको अपने परिवार और अपने अधिकार की परवाह है तो बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में हिस्सा लीजिए। आप लोग ये मत भूलिए कि इस छत्रपुर का नसीब सिर्फ और सिर्फ आपका वोट बदल सकता है। यह ऐसी लड़ाई है जो आप सबको मिलकर लड़नी होगी। आप सब खुद अपने रक्षक हैं। आपके पति ने वोट नहीं डाला लेकिन आप जा करके वोट दे सकती थी। क्या आपको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं है? अब आप ही हमारे माई बाप हैं। आप कह रहे हैं तो हम ये इलेक्शन जरूर लड़ेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी मरी गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे पहुंच गया, नहीं तो वहाँ के जंगली जानवर तुम्हें नोच के खा जाते। खा ही गए थे, ये तो दूसरा जन्म है। मैंने जीते जी अब तो भूत को भी देख लिया है। कोई आखिरी इच्छा है नहीं, मोह माया खत्म हो गई। सोचा था हिमालय चला जाऊंगा बट आई फील वेरी मच कमजोर। जब भी कमजोरी हो ना तो तुम्हें एनर्जी बढ़ाने के लिए जूस पीना चाहिए, जैसे नारियल का जूस, अनानास का जूस, एप्पल का जूस। बका तो ही मेरा लंगोटिया यार है। आज पता चला तुझको मुझसे कितना प्यार है। डाल डाल 100 ग्राम साकर और डाल। अच्छा पूरी वाट के डालने? नहीं 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 नहीं, मिलाते रहो जब तक शक्कर घुल ना जाए। और देखना इसके पीते ही तुम्हारी बॉडी ऊर्जा से पूरी तरह भर जाएगी। बका मैं तुझे कितना गलत समझता था। जब तुम मिलने आया थैली में 3 किलो मौसम्बी भर के लाया था। मैंने सोचा आज प्रोटीन विटामिन की बाढ़ आएगी। पूरा का पूरा ग्लास पी गया, 2-4 बूंद तो छोड़ दिया। दिमाग खराब है क्या? तुझसे मिलने के लिए कौन आया? एसपी साहब ने भेजा तुझे देखने के लिए कि तू जिंदा है कि नहीं। अगर तू मर जाता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कौन ले जाता? अच्छा मैयत मेरी निकले जसन तू मनाए। सुन बकुड़ा, तू अगर उस मुर्दे के साथ मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाता तो यह हालत नहीं होती। उस रात की वजह से मेरा अस्थि पंजर ढीला हो गया। जो कुछ लाल टमाटर जैसा था वो एकदम पिलपिला हो गया। अब या तो मुझे मेडिकल का खर्चा दिला दे या फिर अंडमान निकोबार का 5 साल का मिनी वेकेशन दिला दे। बस इतना काम करा दे, सारी उम्र गुलामी करूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। एक तो छोड़ भाई। सर ये कचरे का टुकड़ा तुमने लाया? क्यों? इसको लेके जाओ वरना बाहर उठा के फेंक देंगे। क्या हुआ? कल रात इस बुड्ढे को डॉक्टर लोग ब्लड चढ़ा रहा था और ये चमगादड़ जाके उसका ब्लड चूस गया। भुक्कड़ कहीं का। चल भाग। मुइश तोड़ दूंगी। ये क्या है बे? चूस लिया। अरे ये चमगादड़ नहीं राक्षस है। महीनों से O+ ब्लड ढूंढ रही थी, मुश्किल से मिला था, ये उसे भी चूस गया। मेरे पति को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार ये कलमुहा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं भाई साहब, हमने बच्चे के लिए दूध भर के रखा था। इस बेशरम ने तो बच्चे के लिए दूध तक नहीं छोड़ा। सारी रात मेरा बच्चा भूख के मारे तड़पता रहा। दिल तो क्या कि यही इसका टेटुआ दबा दूं। वो क्या दूध था? 10 ग्राम दूध में 0.5 लीटर पानी मिलाया था। बड़ी माँ बनी फिरती है, कभी टाइम लेकर तबेले में आना। गाय भैंस पानी पीती नहीं है, चोखा दूध देती है। देखना अगर कल को ये घोंचू मर भी गया ना तो कौवा भी इसे सूंघकर छोड़ देगा। क्या हुआ बे? फ्रिज में से 0.5 लीटर ब्लड दो ना। हराम का ब्लड चूस कर तूने इतनी जल्दी पचा लिया, अब तेरे को और ब्लड चाहिए। अबे तेरा पीस पीस कर दूंगी। नहीं, नहीं मम्मी मरी गयो। पहली हड्डी का कबाड़ा हो गया। बहुत सही। दूसरी की पुंगी बची सर। और तीसरी हड्डी को लंबा लकवा मार गया। क्या बात है डॉक्टर? कौन डॉक्टर? दादी माँ की रिपोर्ट रेडी है। अच्छा तू उसी दादी की पोती है ना जो एक्सरे मशीन खा गई थी? अब तू मत कुछ खा जाइयो, जा बाहर जाके वेट कर। ओके डॉक्टर। ले भाई पकड़। अच्छा तुम्हें कहाँ था? सर यहाँ लकवे में। एक्सक्यूज मी, मेरी फाइल पकड़ोगी? मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। थैंक यू। ए हाय। हाय। यहाँ क्या कर रही हो? रिपोर्ट लेने आई थी। तुम यहाँ कैसे? मैं भी रिपोर्ट ही लेने आया हूँ, बस गया और आया। यहीं रहना डॉक्टर। इसमें उस लड़की के फेफड़े का जीरोक्स है, बहुत हल्का है। उस बेचारी लड़की को ये मत बताइयो कि उसको कैंसर हो गया है। कैंसर से पहले अटैक से मर जाएगी। बोल दे कब जाए। 2-3 दिन बाबा जी का चूरन खाएगी तो ठीक हो जाएगी। कैंसर को कैंसिल कर दे। ठीक है। बाकी तू एक जिम्मेदार नागरिक तो है। डॉक्टर? कौन डॉक्टर? ये कैंसर किसको हुआ है? भाई तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे तू उस छोरी को बचा लेगा। भाई वो नहीं बचती, अब बाहर जो बैठी है ना वही है। डॉक्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं उस लड़की का कैंसर कौन से स्टेज पर है? अबे कोई स्टेज नहीं बचा। अब मोटा मोटा हिसाब लगा ले, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 30 दिन, फिर उसका सिम कार्ड बंद। वैसे तेरी सगे वाली है क्या वो? हाँ मैं उसे जानता हूँ। अरे भाई फिर तू जाके चुगली मत कर दियो कि उसको कैंसर है।
उसके थोड़े बहुत जो प्राण पखेरु बचे ना भाई तू मत उड़ा दियो। यही रिपोर्ट चाहिए था ना? दे ये ले, ये मरण पत्री उसके घर दे दियो। और सुनो भाई, कैंसर वाली चुगली मत कर दियो। नहीं कहूंगा सर। जाते वक्त तो अच्छे मूड में गया था, आते वक्त चेहरे के 12 क्यों बज गए हैं? कहीं इसे कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं हो गई? जिंदगी अजीब है, इसमें कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। आज है तो कल नहीं है। हाँ? पर जो भी हो जाए हमें मौत से डरना नहीं चाहिए। किसकी मौत? अपनी, तुम्हारी, हम सब की। कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई फिर तू जाके चुगली मत कर दियो कि उसको कैंसर है। उसके थोड़े बहुत जो प्राण बखेरु बचे ना भाई तू मत उड़ा दियो। मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ, कहो तो ड्रॉप कर दूँ। नहीं नहीं, मैंने रिटर्न टिकट लिया है, बेवजह पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अपना ख्याल रखना। हेलो सुनो, तुम भी अपना ख्याल रखना। काश मैं इसकी मदद कर पाता। जरूर ये मरने वाला है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है भला? इसकी जगह मुझे हो जाती तो कम से कम इस तरह से तिल तिल मरता तो ना। रे 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 रे, खेलने कूदने के दिन है, अभी तो इसने दुनिया देखी कहाँ है। फेफड़े में कैंसर इतनी कम उम्र में, सिर्फ 30 दिन की मेहमान है। ऊपर वाले का ये कैसा न्याय, बेचारी फूल सी बच्ची। सर मुच्छर सिंह की मेडिकल रिपोर्ट। दुनिया में जो कोई भी आता है उसे वापस जाना ही पड़ता है सर। इस दुख की घड़ी में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ है सर, ख्याल रखिएगा। ये सब ये मुझे क्यों बता रहा है? डॉक्टर ने बताया है कि कैंसर आखिरी स्टेज पर है और वो 30 दिन से ज्यादा नहीं बचेगा। बंद करो ये टीवी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। 2 घंटे से कॉफी मांग रहा हूँ। चुप कीजिए ना, एक दिन कॉफी नहीं छोड़ सकते। यहाँ हमारी हीरोइन का टिकट कटने वाला है। अपनी इस बकवास नौटंकी के चक्कर में तो मुझे कॉफी नहीं दोगी? ए, तू चुपचाप टीवी देखना बहू, वो तो हमेशा बकवास करता है। यहाँ हीरोइन कैंसर से मर रही है और इसको कॉफी की पड़ी। मैं इस बार इसका रिचार्ज ही नहीं करूँगा। इस वक्त घर में मातम छाया हुआ है, अगर ये अभी घर में गई तो इसे कैंसर के बारे में पता चल जाएगा। दुनिया तेरी छोड़। हेलो दिव्या, मैं तुम्हें अपने घर इनवाइट करना चाहता हूँ। ताकि मुझे दोबारा किस कर सको? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं चाहता था कि तुम मेरे घर लंच पर आओ। घर पे लंच? क्या लगता है मैं भूखी मर रही हूँ? मुझे गलत मत समझो, अगर तुम हमारे घर लंच पर आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं आ जाती हूँ, लेकिन 30 तारीख तक बिजी हूँ। मैं 32 तारीख को आती हूँ, ठीक है? दिव्या, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ओके, तो मैं कल आती हूँ, ठीक है? बाय। मैं इंतजार करूंगा। नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया सर। थैंक यू। बैठो बेटा। आज ना पेट भर के खाना तुम। हाँ। पता नहीं बाद में खाने को मिले ना मिले। अरे बचा क्यों रहे, और डालो ना। पेट भर के खाओ। आप रहने दो, मुझे दो। आंटी, हाँ? खाना बहुत टेस्टी है। इतना अच्छा खाना खाने के बाद अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी गम नहीं। जीने की जो इच्छा थी ना, अब वो भी खत्म हो गई। सुनो तुमने? हाँ सुना। उसकी ये बात सुनकर ऐसा लगता है मेरा दिल टूट जाएगा। तेरा दिल तो ठीक है, लेकिन मेरी हड्डी क्यों तोड़ रहा है? पुलिस की नौकरी में पहले भी कई बार टूट चुकी है। तू कहना क्या चाहता है? आंटी और खाना दीजिए ना। हाँ लो बेटा। इतनी गुस्सा मत कीजिए, समझिए ये मेरी जिंदगी का आखिरी खाना है। ये ले और लो बेटा, ये लो ना। हाँ हाँ।